अच्छा कब तक आएंगे? ओह माय गॉड सो क्यूट। क्या जा? तो फाइनली हम जा रहे हैं नए घर को देखने। ए बड़ी आंटी जी तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आ घर देखने। हाँ। तो कब आएंगे इस घर पे? मैं 20 साल की हूँ। मुल्क हो परायु खुद हो तुम्हारा। तो दोस्तों यहाँ पे बन रहा है नया घर। प्यारे प्यारे और देखते नींद की रात लंबी लंबी होंद आंखें फुफा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नहीं नहीं सॉरी यार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप सभी को। मेरा प्रणाम है और मेरे छोटों को जी भोरी आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। जो नए हैं उन्हें बता दो मैं हूँ उत्तराखंड से। अभी उत्तराखंड का मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना है। वैसे आजकल मौसम ऐसा चल रहा है, सभी जगह का मौसम एकदम ऐसे ही होगा सुहावना सा। सुबह से इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, कंटिन्यू बारिश चल रही है सारा दिन, पानी पानी चिप चिप चिप। वैसे मुझे बरसात का मौसम बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को बरसात पसंद आती है ना। तो अभी ना मैं बैठी हूँ, हमने चाय चूँ पी ली है, सासू माँ देख रहे हैं अंदर, टीवी दिखाई नहीं दे रही हूँ, और काजू जेठ जी अंदर है। अभी काजू आएगी तो हम थोड़ा बाहर जाएंगे, और बाहर मैं आपको क्या दिखाऊँ, मैं मुझे कुछ दिखाना था आपको, तो मैं अभी लेके चलूँगी। आप मेरे साथ फिलहाल बने रहना, ठीक है? इधर उधर मत खिसकना, फिर मत बोलना कि कुछ अब आपने ये क्या बोला था, ये क्या बोला था। फिर आपसे जो असली असली चीज़ें होती हैं, जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें, वो छूट जाती है। फिर आप मुझे बोलते हो सीमा आपने क्या बोला होगा, तो फिर मुझे बार बार बताने में दिक्कत होती है। तो आप बने रहो, तो फिर मिलती हूँ मैं, ठीक है? तो जो मैं आपको दिखाने वाली थी वो दिखाने में अभी आपको लेके जाऊंगी। अभी फिलहाल मैं काजू को बुलाती हूँ, अगर काजू आए मेरे साथ तो और मज़ा आएगा ना। थोड़ी चुगलियाँ करेंगे लोगों की, चुगली करना गंदी बात है, कोई चुगली नहीं करेगा, मैं तो मजा। काजू इधर आ दो। तो ये है, जो नहीं जानते, अंधेरे में दिख नहीं रहे, बाहर लाती हूँ मैं। तो जो नहीं जानते मैं उनको बता दूँ, ये हमारी सासू माँ जी हैं। तो इनसे मिलिए, इनका नाम है श्रीमती गायत्री देवी जी, ये हमारी सासू माँ जी हैं। और ये पीछे से मेरी जिठानी जी हैं, जिठानी जी श्रीमती काजल कोई काजल नहीं बोलेगा, काजू ही बोलेगा, क्योंकि मुझे काजू अच्छा लगता है, तो आप भी काजू बोलोगे, है ना? तो सासू माँ कुछ डब्बा डुब्बा कुछ रखने के लिए ले जा रहे हैं, पता नहीं क्या चना है उसमें, सॉरी मैं भूल गई थी, इसमें चना है। और मैं काजू कहीं जा रहे हैं तो मैंने सासू माँ को ऐसे ही पकड़ लिया, मैंने कहा आप याद करो, अरे वो आशीर्वाद मांगना चाहो। अच्छा चरण जी रहे आशीर्वाद, तो सुन लिया आपने, सासू माँ ने आशीर्वाद दे दिया, जो जो आशीर्वाद के इच्छुक थे। तो हाँ मैं, मेरा काम काजू से था, मैं काजू को घुमाने लेके जा रही थी, मैंने काजू को बोला, आवाज़ आ रही मेरी क्लियर? आ रही होगी, चलो। मैंने कहा काजू को, काजू यहाँ पे ना घर बन रहा, चल घर देखने चलते। किसका घर? वो जो नया वाला बन रहा, बहुत सुंदर घर बन रहा। तो मैंने काजू को बोला काजू चल, और क्या पता वो भी मेरे व्लॉग देखते हो जिनका घर बन रहा है ना, तो चलो आप भी चलो कि नया घर कैसे बनता है। आगे क्या बोलूँ, चलो चलते हैं, चल ये रख क्या था। तो मैंने काजू को ऐसे लपेटे में ले लिया, अब पता नहीं उसका मन रहा होगा आने का, नहीं रहा होगा, लेकिन अब वो मेरे साथ आएगी। वो नानी बोलती मेरे को, इतनी अच्छी लड़की है, इतनी अच्छी जिठानी जी मिली है मेरे को, क्यों मेरे को कभी नानी बोलती है यार? बाल का धोना है मैं टेढ़ा टेढ़ा, अब मेरे बाल देखो टेढ़े टेढ़े होने लग गए, इस बार ज़्यादा ही जल्दी नहीं होने लगे कुछ, ये देखना। पर वैसे मैं एक बात बताऊँ, मेरे पे ना सीधे बालों से ज़्यादा कर्ली हेयर अच्छे लगते हैं, लेकिन पता बात क्या है कि मेरे को सीधे बाल अच्छे लगते हैं, स्ट्रेट बाल। तो अभी मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ टाइम पास कर रही, काजू आए तो फिर चलते हैं। इसमें मैंने अभी अभी ये फूल लगा रखे हैं, इसमें ये छोटे छोटे से आप लोग देख रहे होंगे, ये इसमें फूल आ रहे हैं, और एक गमले में मैंने ये इसमें लगा रखा है, अब देखते हैं कैसा फूल आता है इसमें, ठीक है? अच्छी काजू पता क्या करी, तो हम चूड़ी पहनने कब जाएंगे जी? चूड़ी, क्योंकि सावन का महीना आ गया, हम लोगों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी, हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी है कलैया पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। तो हम लोग बाहर निकल चुके हैं, मौसम एकदम मस्त हो रहा है, इस मौसम में जिठानी जी से थोड़ा कुछ
गाने ही सुन ले। कुछ सुनाना चाहेंगे आप? गला साफ कर दे, थोड़ा गला झाड़ झूल लो, सुना दे भाई, व्यूवर्स इतना वेट थोड़ी ना करेंगे हमारा। अरे ये तो गाना सोच लेते ना, रुक जा तू, कैमरा रोक दे, तेरी एडिटिंग में क्या कुछ भी हो जाएगा। तो दोस्तों हम जा रहे हैं नए घर को देखने, यही रहेंगे ना? हैं? यही रहेंगे ना? हाँ यही रहेंगे। अच्छा कब तक आएंगे? Oh my God, so cute. क्या जो? उसकी माँ भी है वहाँ पे कहीं, हमें गंजोर ना दे कुछ खाने के लिए। हाय, हेलो, 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 कितने प्यारे बच्चे, हेलो। उसकी माँ देख रहा है रहा कुछ खाने के देना ती बम्मा आ लगे क्या क्या हाय सो क्यूट जा जा हाय कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इतना अच्छा लग रहा है ना उनके साथ। काजू ने देख लिया सबसे बड़े, देखे काजू को सच्ची में बता रही हूँ, उसको आला सारा उसका पेट भरा हुआ है। क्या खाया आपने आज? क्या खाया आपने? तो हम जा रहे हैं घर देखने, कब आएंगे इस घर पे? पता नहीं यार, शायद जब बन जाएगा तब आएंगे शायद। हाँ अभी तो उनका घर बनना बहुत ज्यादा है। हाँ तो ये घर ना हमारे यहाँ पे ना, मैं आपको दिखा दी कहाँ से बन रहा है। ये देख रो यहाँ से बन रहा, अभी इतना इतना बना और जब से शुरुआत हुआ हम आए ही नहीं इसको देखने। और एक घर इधर साइड भी बन रहा, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे भी है। तो दोस्तों यहाँ पे बन रहा है नया घर, तो मैं आपको इसे ना पूरा दिखाती हूँ अंदर जाके। आ जाओ तो ना मैं आपको पूरा तो दिखा देती अंदर जाके, बट बात पता क्या हुई कि इसमें ना बहुत सारी लकड़ियां लगी है, तो हम ऐसे घुस जाएंगे तो गाली गुली पड़ जाएंगे। अगली बार दिखाएंगे जब ये घर पूरा बन जाएगा मस्त करके, तब किसमें वो करवाते हैं ना, क्या करें, गृह प्रवेश, उसमें आएंगे हम लोग। ये बुलाए ना बुलाए पर हम चले आएंगे। तो सारे बच्चे देखो पीने लग गए दूध। हाँ तो एक चीज तो मैं भूली गई थी, काजू सुनाने वाली थी हमको एक बढ़िया सा सॉन्ग। रुक जा पहले मुझे सोचने दे। ये भगवान कब से सोच रही है? काई जम शाचर कर लो ना। कौन सा कोई बरसात के तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, बर बर साथ में पी लेने दो। मुल्क हो परायु खुद हो तुम्हारी, खुद हो तुम्हारी। आंटी खोलो, स्वागत करो हमारा, हम आ गए हैं। ओ आंटी जी, बड़ी आंटी जी, सॉरी हम मजाक कर रहे थे, इसी परेशान वो लड़का जो 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 अनमैरिड है, सारी लड़की अपने टिपड़े भेजे। हमारे मोहल्ले में एक लड़का कुंवारा है, हम उसके लिए लड़की ढूंढने के लिए जा रहे हैं आज बरसात में। हेलो आशीष, गेट तुम्हारा खुला। जो भी कमारी कमारी लड़कियां हैं सबके सब अपने टिपड़े भेज दो, हमें आशीष के लिए एक अच्छी सी बुआरी चाहिए ताकि हम जल्दी जल्दी पार्टी खा सके शादी की, है ना काजू? फिलहाल हम आंटी जी को मिलने आए, तो काजू लेके आ गई कुत्ते के बच्चों के लिए रोटी। चलो हमें पता नहीं था ना कि वहाँ, हाँ कुत्ते हैं, मुझे नहीं था पता कि इधर रह रहे हो नए घर में। चल मौसम है बड़ा कातिल, खो जा आए आ जा ले 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 आजा 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 ला ला हम कम कम कम। हेलो हेलो, हाँ कहाँ जा रहे हो?
रोटी खाओगे? तो चलो 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 आजा 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 ओए ओए चलो आजा। ओ कहाँ जा रहे हो? इधर बम 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 कम 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 चलो खाओ शाबाश आजा 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 यूँ मैं हाथ काटे ले काटे वो बहुत डर खा है अपने मार ले खाते पीते घर का है वो। खाते पीते घर का है कि कुछ खाते नहीं ये आंगुल खाना मेरे पर बैठे मैं सब आंगुल जिंदा रहा तो तुम करो ठकनो के दगा दग मम 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 चिकी चिकी बम 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 चिकी 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 लो जी आप भी आ गई ब्लॉग में इतनी प्यारी लग रही आ गए आप भी लुस्ती इसकी मुंह देख के प्यार नहीं होगा तो क्या होगा एक बार बेटे देखना हो कह रहा कि मैं तो नहीं आ रहा ब्लॉग में मुझे नहीं आना देखना काजू कितने प्यार से उसकी मालिश कर रही है कितना क्यूट लग रहा उसने हाथ पांव छोड़ दिए काजू के पास बस मेरी नींद की रात लंबी लंबी होंद आंखों को पानी तरी तरी चूंद गुट गुट मिते मंडूली लगीना गुट गुट मिथे मंडूली लगीना लग दो स्वामी जी तुम बिना तुझे भी आ रहे मेरी स्वामी जी की याद मैं मिलवाऊंगी जब वो आएंगे तो ये भी आ गया ओए गधे अबे वक नहीं जा बड़ी ओए ओए गधे सिट कहीं भी सिट करवा रहे कहीं भी सिट है पर मैं बैठने का नहीं झुकने का नहीं साला काजू कैसे लड़की होती तो ठीक था ना हाँ यार क्यों लगेगी नजर नजर क्यों लगेगी नजर क्यों लगेगी पहले तो बताओ हैं प्रधान साहब हेलो हैं बोलो क्यों लगेगी हम पे नजर क्यों बोल रहे कि तुम लोग दोनों पे की नजर लग जाएगी क्यों तुम लोग बाहर निकले ना आंटी हम बाहर नहीं आते करो करो बात करो क्यों नहीं खुद भुआ 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 सीट बड़ी सीट डाउन सीट मिल जान नागा बैठो को कुछ है बड़ी सीट सीट बैठ को तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं तो फाइनली हम घर के अंदर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले मैं तो हाथ धोऊंगी काजू ने धो दिया पहले काजू ने धो दिया ऐसे ये थोड़ा सा पूछ लेना है उसके बाद ऐसे ऐसे फिर धोते जाओ धो आपका साबुन स्लो है क्या मंडी तरह साबुन स्लो है क्या नहीं माय साबुन इज वेरी फास्ट अब एक आम मैं भी पकड़ लेती हूँ ये हो सके तो बड़ा आम मिल जाए तो बड़े इतने आम ही मेरे को सजे बड़े आदमी के लिए बड़ा आम ही तो चाहिए बड़े आदमी क्या बोलेगा 15 साल की बुढ़िया होंगे अंडर वेयर कौन होंगे तेरी उम्र पता है ना तुझे क्या अब मैं 20 साल की हूँ 2001 में जन्म हो रहे थे नहीं 2002 में हुआ था लास्ट दिसंबर को कितना टेस्ट है आम क्या किया तूने सबसे पहले पैदा हो गई पहले मैंने डॉक्टर ने क्या बोला तुझे देख के मैंने व्लॉगर पैदा हुआ डॉक्टर थे ही नहीं तुझे पता जिस दिन मैं पैदा हुई ना मैं आप लोगों को बता रही हूँ उस दिन ना मेरे दादाजी की वो थी 13वीं थी 13 दिन हो गए थे मेरे दादाजी के मरे में मेरी मम्मी कह रही मेरी मम्मी का ध्यान जा रहा था प्रसाद पे कि लोग वहां प्रसाद खा रहे होंगे और मैं यहाँ दर्द से मर रही हूँ और मैं बता दूं आपको मैं 7वें महीने में हुई थी ठीक है तो बड़ी जल्दी थी तेरे को दुनिया में आने की जल्दी थी इस दुनिया में आने की मैंने कहा लोग बेताब है मुझे देखने के लिए मुझे व्लॉगिंग भी तो करनी है इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा इन लोगों के खातिर सिर्फ आपके खातिर मैं 2 महीने पहले धरती पे
एंट्री दे दी मैंने, ग्रैंड एंट्री हुई मेरी। और उसके बाद ना मेरा ना पता क्या था, मेरी ये चेप वगैरह मतलब मेरी माँ बोलती ना बाल वगैरह कुछ नहीं थे, भले आज मेरे बाल मतलब पलके नहीं थे, आंखों की पलके नहीं थे बिल्कुल। मेरी मम्मी को उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगी करके ना, उस टाइम पे वो था ना कि बचेगी नहीं करके, कैसे ही बचना। और जब मैं बड़ी हुई ना, बड़ी होने उम्मीद नहीं थी कि ऐसे निकलेंगे, मैं इतनी तेज थी ना, मेरे पिताजी की सबसे लाडली मैं ही थी, होता ही है। हाँ, जिस टाइम पे मतलब मेरी दीदी और की शादी हुई थी तो उस टाइम पे लहंगे लूंगे नहीं चलते थे ना, तो मैंने अपने पिताजी को बोला था कि मैं तो लहंगा लूंगी अपनी शादी के लिए ऐसे करके मतलब ना, तो फिर मेरे पिताजी हमेशा वही चिढ़ाते थे मुझको कि अपने कुत्तों के लिए तो मैं लहंगा लूंगा कि ये वो है ना। और मेरे पिताजी का ना जब भी देखो ना जेब ना टॉफियों से भरा रहता था, और एक चुंबक मैंने आपको दिखाया था गांव वाले वीडियो में, तो चुंबक में बहुत सारे पैसे, हाँ, तो उसके साथ साथ टॉफियां भी बहुत सारी। तो जैसे मेरे पिताजी 10 टॉफी लाते थे तो मैं 6 टॉफी निकाल के खा लेती थी और 4 उसी में रहती थी। फिर मेरे पिताजी मेरे को सुबह में या किसी भी टाइम खुद ही देते थे वो टॉफी, मैं ना टॉफियां बहुत खाती थी बचपन में। मैं सबसे ज्यादा बोलने वाली हुई, मेरी मम्मी बोलती थी अभी मतलब सबकी मम्मियां बोलती होंगी मुझे लग रहा कि तैयारी होगी, चल कुछ ना कुछ कराने चाहिए, कुछ ना कुछ कराने की, चल तैयार देख ले तू सीमा भलो कराई देने। चैनल कैसा चल रहा है? चैनल मुंह से ही चल रहा है, मुंह से ही चल रहा है। मम्मी बोले तेरे मुंह कुछ ना कुछ कराएगा। अब माँ ये तो बोलती है कि तू सास को कभी नहीं खिलाएगी, अब वो आप देख रहे हो है ना, यही होना, तब तू कभी नहीं खिलाएगी कि तूने तेरा ये जो मुंह है ना। मैं और मेरे और मम्मी के बहुत सारे झगड़े होते थे पता, मैं और मम्मी ऐसे लड़ते थे ना सच में, पता नहीं क्यों, सास और माँ के साथ नहीं होते ना कुछ बहस कुछ नहीं, पर माँ के साथ बहुत ज्यादा। लोगों का उल्टा होता है ना कि सास के साथ झगड़े होते हैं और माँ के साथ नहीं, तो मेरे माँ के साथ झगड़े होते थे, सास के साथ नहीं होते। हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि अपनी स्टार्टिंग उससे बताओ कि आपने शुरू से क्या किया। वैसे मैंने अपनी लाइफ के बारे में काफी कुछ बता रखा, लेकिन हाँ मैंने अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी कभी नहीं बताई आपको। लेकिन अगर आप लोगों को जानना है, आप लोग सच में जानना चाहते हो, तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी। अगर आप लोग जानना चाहते हो, देखो मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रही, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बना दूंगी मतलब अपनी जो मेरी YouTube की जर्नी है, क्या पता किसी को इंस्पिरेशन मिले, को ना किसी को कोई प्रोत्साहित हो मेरी वीडियोस देख के या कुछ भी, तो है ना। तो फिर अगर बताना बताना अगर आपको वो है ना, तो चलो यार इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करूँगी। तो दोस्तों चलो आम मैंने साइड रख दिया है, तो मैं सोच रही कि चलो व्लॉग शायद लंबा हो गया होगा, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना उससे ज़्यादा जरूरी है। अगर शेयर नहीं किया तो मतलब कुछ नहीं किया, तो कम से कम 4 लोगों को शेयर कर देना, ज़्यादा नहीं, आज का टारगेट 4 लोग बहुत है। मैं मिलूंगी आपको कल, तब तक के लिए यहीं पर आगे दीजिए, धन्यवाद मुझे देखने के लिए, टाटा।